तो भाई वहाँ हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर WWE इंडिया का इवेंट होने वाला है। बिल्कुल अभी अभी सेठ भाई हमको दिखे थे, ड्रू मैकइंटायर से अभी हम लोग मिले हैं। तो भाई क्या हाल है सबके, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी तो मैं आया हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट में, हैदराबाद के लिए फ्लाइट पकड़नी है अपन को, तो बैग वगैरह चेक इन करा लिया है। तो भाई अभी हम लॉन्च में बैठे हैं और मैं अभी थोड़ी सी एडिटिंग अपनी कंप्लीट कर रहा था क्योंकि फ़्लाइट में भी काफ़ी टाइम है, अराउंड टाइम हो रहा है 3:30 और फ्लाइट है हमारी 5:45 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो भाई हैदराबाद हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हैदराबाद का एयरपोर्ट ही है पीछे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ पे चेक इन करेंगे। तो भाई हैदराबाद के होटल में मैंने चेक इन कर लिया है, ये है अपना रूम, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। और काफ़ी सही रूम है, मतलब मुझे तो सही लगा इस प्राइस पे। पहली मील मैं ले आया हूँ अपने लिए, तो ये है अपनी डिश जो मिली है, ये है खिचड़ी और ये है कीमा। मतलब खिचड़ी तो नॉर्मल से ही है, कीमा कुछ अलग लग रहा है, पहली बार देख रहा हूँ मैं दोनों को एक साथ। और ये प्याज दी और ये आई थिंक कोई चटनी है ठंडी सी है। तो भाई थोड़ा सा हम लेंगे कीमा, ये इसको मिक्स करेंगे खिचड़ी में और दोनों को एक साथ, बढ़िया है। मतलब कीमे के अंदर बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं भाई। तो अभी मैं अपने होटल से निकला हूँ, ऐसे ही अपने दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं, एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, उनको एक घंटा है, तो एक घंटा मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ आसपास का कैसे क्या है सीन, और देखते हैं फिर क्या होता है। भाई ये है इनकी प्रीमियम कॉफ़ी, मद्रास फिल्टर कॉफ़ी की, और बहुत अच्छी है पीने में, मतलब मैंने पी है और बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो ये हैदराबाद का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, देख रहे हो, मतलब ये पूरी रोड ऐसे की ऐसी है। भाई अपने दोस्त लोग आ गए हैं सारे, वी आर हैविंग वेज डिनर। अरे डिनर यार, डिनर डिनर डिनर, अभी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है, तो मन हम रात को भरेंगे। बिरयानी खाने का क्रेज हमें, रात को 12:30 बजे हम निकल रहे हैं बिरयानी खाने, अगर और मिली तो नहीं मिलेगी या पॉजिटिव, और नहीं मिली तो मिलेगी, आज हम बिरयानी खा के रहेंगे। 12:50 पे हम लोग यहाँ चार मीनार की मार्केट में आए थे और बिरयानी डाइन इन नहीं मिली, लेकिन हमें टेक अवे मिल गया है और थोड़ा जुगाड़ लगा के, वो भी पुलिस वालों से बात करनी पड़ी थी तो इन्होंने बात करी और बिरयानी हमें फाइनली मिल गई है, शादाब की बिरयानी है ये। तो भाई अभी हम आए हैं टैंक बर्ड नाम की जगह पर और ये है यहाँ का कुछ, मतलब अच्छा सा लग रहा है, वाइट सी बिल्डिंग है, ये कुछ दिया सा लग रहा है मुझे, ये बुद्धा का स्टैचू है जिनका एक हाथ टूट गया था बनाते वक्त, और काफ़ी सही वाइब है यार एकदम रात को। अभी टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 1:51 और अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी पानी वगैरह है, और भाई अभी तक रात को पूरा सिटी में शोर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। शादाब की बिरयानी खाई जा रही है, प्लेट हमें मिली नहीं तो हम ऐसे ही खा रहे हैं। अच्छी है भाई खाने में, बढ़िया बिरयानी तो बढ़िया है भाई, ये देखो कितना बड़ा पीस है यार, ये देखो आधा खाने के बाद है, चावल भी देखो उसके ना बढ़िया है, खाए जाएंगे, कोई भी खा सकता है। ओ भाई बिरयानी मैंने खिलाई है भाई, ओ The next day. तो भाई आज ही है वो दिन जिस दिन WWE का इवेंट हैदराबाद में होने वाला है, और अभी हम लोग निकल चुके हैं वहां पर जहां पर हमें पता लगा है कि रेस्टलर स्टे कर रहे हैं, तो लेट्स सी मीट एंड ग्रीट अगर होता है या नहीं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं हयात हैदराबाद, तो रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं हयात के, और अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए तो एंट्री अलाउ नहीं करी है, वहाँ पर मीटअप चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बट हम लोग तो नहीं जा सकते तो हम लोग खाना ही खा रहे हैं फिर। भाई बिल्कुल अभी अभी सेठ भाई हमको दिखे थे, उनकी छोटी सी क्लिप मैं डाल रहा हूँ अभी के लिए। वो खाना वगैरह हमारा लग चुका है, बटर चिकन मंगाया हमने, खाना खाते हैं और फिर ट्राई करते हैं किसी से मिलने का और देखते हैं क्या होता है। भाई अभी ड्रू मैकइंटायर से अभी हम लोग मिले हैं, फोटो हम दोनों की दिख जाएगी। बढ़िया था भाई काम, भाई हमने गलती कर दी, हमें वीडियो बनानी चाहिए थी यार, वीडियो स्क्रीनशॉट लेते थे और उसे AI से फिर बेटर क्वालिटी कर लेते।
कोई नहीं गाइस, अभी तो एआई से ही फोटो बनाते हैं जॉन सीना के साथ भी। और वो तो देखो गाइस, जॉन सीना साथ बैठ के हमारे साथ लंच कर रहा है। तो भाई ड्रू भाई से मिल चुके हैं और अभी खाना वाना खा लिया है। जॉन सीना भाई अभी भी साथ खड़े हैं। बागलपुरिया पे ध्यान ना दे, इधर देख। हाँ, सभी देखते हैं भाई अगर कोई और टकराता है, नहीं तो फिर शाम को इवेंट तो हमारा है ही। हम पहुंच चुके हैं गाचीबोली स्टेडियम में। तो भाई वहाँ हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर WWE इंडिया का इवेंट होने वाला है। स्टेडियम हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही भीड़ है, मतलब अच्छी खासी भीड़ है, काफ़ी सिक्योरिटी भी है और टिकट हमारी VIP है, तो देखते हैं एंट्री VIP तरीके से होती है या नहीं होती। भाई यहाँ पर मर्चेंडाइज मिल रही है और काफ़ी भीड़ है, मैंने भी ले ली अपने लिए, मैं दिखाता हूँ। भाई टी शर्ट हम लोगों ने ले ली है, ये देखो। तो गाइस हम घुसने वाले हैं, अभी इंटरवल हुआ है और खाने में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, मतलब यहाँ पर नॉन वेज भी है, वेज भी है, जूस, कॉफ़ी, चाय, सब कुछ जो आपको चाहिए हो। तो ये है, मतलब खाना भी VIP टिकट में इंक्लूडेड ही है, तो सही है। खाने का देखिए आप, सब कुछ एकदम बढ़िया खाने का है। इवेंट अपना ओवर हो चुका है, बहुत ही तगड़ा इवेंट, जॉन सीना के में तो सब पागल ही हो गए।
हर्ष भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जॉन सीना सेथ रॉलिंस ने पागल कर दिया, ऑडियंस पागल हो गई। मिस नहीं करना चाहिए था मोमेंट, जिसने मिस किया अब तो टीवी पे भी देखने को नहीं मिलेगा। हैदराबाद एयरपोर्ट पे मैं पहुंच चुका हूं और काफी नींद आ रही है, 3 दिनों से लगभग मैं सोया नहीं हूं। भाई मैं चेक इन करा के सिक्योरिटी चेक के लिए जा ही रहा था तो मुझे 2 रेस्लर मिले जिनकी मतलब मैंने फाइट अभी भी देखी थी, तो एयरपोर्ट पे अपना चेक इन करा रहे थे तो मैंने तुरंत उनके साथ सेल्फी ले ली। और अभी मेरी मुंबई की फ्लाइट है तो मुंबई के लिए निकल रहे हैं। अब यही सीन है, अब मुंबई पहुंचते हैं फिर। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग मुंबई से शुरू होगा।